नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कितने प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं, राशन कार्ड कितना बंटवाए हैं, कितना शौचालय बना है, कितना पेंशन मिल रहा है कितने लोगों को, साथ साथ मुखिया के द्वारा कितने ऐतिहासिक काम किए गए हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हम आए हुए हैं मांडर प्रखंड और पंचायत का नाम है लोयो और यहाँ के मुखिया हैं जयंती मिंजी। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में इन्होंने क्या कुछ विकास का काम किया है। वेब समाचार में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में आपने क्या कुछ विकास का काम किया है? जी हाँ किए हैं जी। क्या क्या विकास किया है? 5 वर्षों में पंचायत में मनरेगा निर्माण किया है और मनरेगा के तहत सिंचाई, गोवत, डोभा, आम बगान, पक्की नली, आंगनबाड़ी, खेल मैदान का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ आपने ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में? अभी 245 चल रहा है। हाँ, अभी तो 245 चल रहा है प्रधान आवास। उससे पहले कितना था? 147 पहले हुआ हाँ। है और अभी काम चल रहा है जी हाँ। अच्छा, ये तो राशन कार्ड कितना बनवाए हैं आप? राशन कार्ड कितने लोग, गरीब गुरबा जितने भी है, राशन कार्ड? राशन कार्ड 600 से ज्यादा बनवाए हैं जी हाँ। चलिए हम इनसे जानते हैं, जयंती मिंज जी हैं, उनके पति हैं, उनसे जानते हैं कि जो जनता ने 5 साल के लिए आपको मौका दिया था, हालांकि इससे पूर्व भी आप भी मुखिया रह चुके हैं जी, तो आपको काम करने का ज़्यादा अनुभव है और मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से बताएं कि राशन कार्ड कितना बना, पेंशन कितने लोगों का बना है, आप बताइए। हमारे पंचायत में राशन कार्ड पूरे पंचायत में मिला के कम से कम 1300 समथिंग होगा राशन कार्ड और मेरे कार्यकाल में बना है। आप अपनी पत्नी को मदद कर रहे हैं समाज सेवी के रूप में, तो इनके कार्यकाल के बताइए। हाँ, दोनों मिला के करीब 1300 राशन कार्ड बना है, जिसमें लाल राशन कार्ड है, पीला भी है और कुछ हरा राशन कार्ड भी है। अच्छा, पेंशन कितने लोगों का बना है? पेंशन हमारे पंचायत में लगभग करीब 900 लगभग है। 900 के करीब हाँ, बना है जी 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 900 बना है जी। अच्छा, शौचालय कितना बनवाए हैं? शौचालय बनवाए हम 869 के बना जी जी। चूंकि जयंती जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप ये बताइए कि चूंकि आप खुद महिला हैं, आप अपने पंचायत में विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए आपने कुछ सोचा है? जैसे आपने लघु कुटीर उद्योग के द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण है, तो इसके लिए आपने कुछ कार्य किया होगा? जी हाँ, महिला समूह हम लोग करते आ रहे हैं। महिला समूह जी हाँ। तो इसमें क्या कुछ लोग जो महिलाएं हैं रोजगार मिला क्या? रोजगार सरकार दे रहा है पूंजी अपना के लिए, अपना विकास के लिए कुछ कुछ करने के लिए, मतलब कि जैसे लघु कुटीर उद्योग में होता है सिलाई कढ़ाई बकरी पालन, मछली पालन, कई योजना हम लोग को देने के लिए देने का काम। अच्छा, ये बताइए कि उराव जी, आपसे सवाल है मेरा कि जनता इन 5 सालों में कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम जो जयंती जी का नाम लोगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा विकास है काम जो आप इनके कार्यकाल में हुआ? यहाँ हम लोग गांव, दूर गांव है, गांव है और थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है और गांव में बहुत ज़्यादा रोड का अभाव है, जिसमें हम लोग 14 फाइनेंस से पक्की PCC पथ, फेवर जैसे जरूरत हुआ फेवर ब्लॉक रोड प्लस पक्की नाली और स्वच्छता के बारे में ज़्यादा ध्यान दिए, जिससे कि लोगों का बीमारी कम हो और लोग स्वस्थ रहें, उसके बारे में अच्छा से प्रचार किए और ये कोरोना काल में अच्छा कार्य किए मैडम के माध्यम से, घर घर जाके लोगों को देखना बताना प्लस
क्या कोरोना काल में जी जी जो बहुत सा गरीब है जिसका राशन कार्ड नहीं बन पाया, हाँ उसको मास्क में पहुंचाना, प्लस जो बाहर थे, बाहर जो कमाने खाने के लिए जाते थे आए उसको हम लोग गाड़ी नहीं आने का कुछ दूर तक लाने का काम किए, प्लस सारे को सैनिटाइजर किए, प्लस जो रखते हैं जगह उसको क्या बोलते हैं, नहीं एक जगह रखते हैं अलग से, क्वारंटाइन में इन लोग को 10 दिन 12 दिन तक रखे। सेकंड जब उसको फिर जांच हुआ उसके बाद में उनको अपना घर जाने दिए। और यहाँ उस तरह का एक भी केस नहीं आया जिससे कि कोरोना से कोई डेथ हुआ हो, कोरोना से कोई डेथ हुआ जी तो ऐसा नहीं आया। और हम नहीं, हम दुआ करेंगे नहीं हो हमारे पंचायत में किसी से कोरोना से और संक्रमित ना हो, और जो भी मालिया हुआ भी बाहर थे उन लोग बाहर ही ठीक हुए, उनके बाद ही यहाँ प्रवेश किए। क्योंकि अभी कोरोना काल का तीसरा लहर चल रहा है, हालांकि झारखंड सरकार ने अभी रियायत बरता है, स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, पार्क खुल गए हैं, मंदिर मस्जिद जितने भी खुल चुके हैं, तो अब लोगों का आना जाना तो शुरू हो गया है, ऑफिस भी शुरू हो चुका है। तो ये बताइए कि आप अपने पंचायत के विकास के लिए झारखंड सरकार से क्या कुछ विशेष पैकेज का डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं कि अगर ये पैकेज मिलता तो इस पंचायत का और ज़्यादा बेहतर विकास होता। जी जी ये तीसरी लहर के लिए पहले से तैयार तो हैं, और उसके लिए हम लोग पंचायत भवन में या तो और भी मेरा सामुदायिक भवन है या और भी व्यवस्था है वहाँ उनके लिए व्यवस्था किए हुए हैं। अगर इस तरह का होती है तो उनके लिए दवा, बेड, सैनिटाइजर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि झारखंड सरकार से क्या कुछ डिमांड करते हैं अपने पंचायत के बेहतर विकास के लिए। हम सरकार से यही इच्छा करते हैं कि इस काल में जो 2 साल में विकास कोरोना काल के कारण कुछ काम बाधित हुआ, उसके चलते कुछ काम नहीं हो पाया, कुछ स्लो हुआ, इसके लिए सरकार से ही चाहेंगे कि हमारे पंचायत के उत्थान के लिए और कुछ अच्छे से अच्छे पैकेज दें जिससे कि हमारे पंचायत के जनता के लिए लाभ मिले और हमारा पंचायत स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। जी अच्छा रहे। चलिए आपसे अंतिम सवाल आपसे है जयंती जी, कि चूंकि चुनाव अब नज़दीक है, आने वाला है, तो आगे की क्या रणनीति है, आप जनता, अगर आपको जनता दोबारा से भरोसा करती है तो आगे क्या कुछ सोचे हैं विकास के लिए? आगे विकास के लिए हम एक तो होता है जनता को एकता रखना और धर्म पर किसी को निराश नहीं करना है, सब जाति को हम एक दिखते हैं, मतलब सब जाति को लेकर चलेंगे, हाँ। और हर जाति के लोगों को रोजगार, शिक्षा दिलाने के लिए काम करते हैं। अच्छा, और फिर वो लोग को भी आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं, बात करते हैं, बीच में महिला मंडल से बात करते हैं, कभी हम भी सोचते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए खेल कूद के लिए हम अपना सामान लाए, ये भी मेरा विचार है। अच्छा, कि मेरा स्कूल में आगे बढ़ जाए, बेहतर शिक्षा हो जाए, हर सुविधा स्कूल में मुहैया, हर खेल के लिए मैं स्कूल में आना चाहिए। अच्छा, बास्केटबॉल हो, खेल कूद हो, सब कुछ के लिए आगे मौका मिल जाए हम लोग के लिए और अच्छा काम हो जाए। तो आपने सुना कि जिस तरह से जयंती मिंज थी, इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो मैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो रोजगार के तलाश में हैं, रोजगार के तलाश के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो महिला सशक्तिकरण के लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उनको भी लघु कुटीर उद्योग दिला करके उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करें, अगर जनता हम पे भरोसा करती है। हालांकि जो मेरा 5 साल का कार्य कर रहा है, इन 5 सालों में मैंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है, शौचालय बनवाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ नली गली, डस्टबिन, स्ट्रीट लाइट और वृद्धा पेंशन हुआ ही। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने किया है कि जो लोग दूर दराज पानी के लिए जाते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से एक जल मीनार जो कहते हैं कुआं हुआ जो होता है तो बनता ही है, एक नल जल योजना है जिसको इन्होंने लगाने का काम किया है, और हर लोगों को जो दूर दराज नली गांव देहात में जाना पड़ता है, जैसे नदी में जाना पड़ता है वहाँ पर अपने कपड़े धोने के लिए, तो
नल जल योजना से ये अपने पंचायत को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश किए हैं, ताकि जनता इन पर दोबारा से मौका दे और आगे भी बेहतर काम करते रहे। बहरहाल चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, उनसे भी जानेंगे, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सके। धन्यवाद।